नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वो कहते हैं ना, अगर जीतने का जज्बा हो तो आपका मुकद्दर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक बात ना रहकर हकीकत में तब्दील हो गए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सक्ष से सक्षियत तक का सफर मुश्किलों के दौर से गुजार लिया और लोगों की जुबानों तक अपना नाम पहुंचाया। कौन है ये शख्स, क्यों है चर्चा में, आइए जानते हैं विस्तार से। गीतकार मनोज मुंतशिर का एक शेर है, जूते फटे पहनकर आसमान पर चढ़े थे, सपने मेरे हमेशा मेरी औकात से बड़े थे। ये शेर भारतीय बल्लेबाज राहुल तेवतिया की जिंदगी में हकीकत में बदल गया। हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे राहुल तेवतिया की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। वो सोता था तो उसे क्रिकेट की वो पिच दिखाई देती थी जहां पर वो खुद को खेलता हुआ पाता था। ये उसके लिए रातों का देखा हुआ सपना नहीं था, क्योंकि वो उसे पूरा भी करना चाहता था। इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की। धधकती धूप में उसके पांव भी जलते तो कड़कड़ाती ठंड में उसके हाथ भी कांपते, लेकिन वो सपनों को इन सब के आगे धूमल नहीं होने दिया और इसे पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहा। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उसे मौका मिला अपने सपनों की परीक्षा देने का। साल 2014 में तेवतिया ने IPL में डेब्यू किया था, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। समय गुजरता गया और तेवतिया को एक समय आया कि IPL में खरीदने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन 2020 के IPL में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने एक मैच में 5 छक्के लगाए और सुर्खियों में आ गए। इस साल के IPL में उन्हें गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में जोड़ा है और इस बार भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करके सबका रुख अपनी ओर मोड़ा है। आपको बता दें कि राहुल तेवतिया का जन्म 1993 में हुआ था। इनके पिता पेशे से वकील हैं। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट में जाने का शौक था और महज 4 साल की उम्र में ही इनके पिता ने इन्हें बैट थमा दिया और उनका दाखिला बल्लभगढ़ के एक क्रिकेट परीक्षण केंद्र में कराया। यहाँ राहुल क्रिकेट को और बारीकी से सीख रहे थे। इस संस्थान के बाद राहुल को और अच्छे से क्रिकेट की बारीकियों को सीखना था, क्योंकि उन्होंने और उनके परिवार ने निर्णय लिया था कि राहुल अब सफल क्रिकेटर के रूप में अपना करियर बनाएंगे। इसके लिए राहुल एक कदम बढ़ाते हुए पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी विजय यादव की क्रिकेट एकेडमी में भर्ती हो गए। यहाँ से राहुल को क्रिकेट में नए नए मौके मिलने लगे। अपनी मेहनत और खेल से सबको इंप्रेस करके राहुल को जल्द ही हरियाणा की रणजी ट्रॉफी में लेग स्पिनर के रूप में खेलने का मौका मिला। राहुल ने इस दौरान कई रणजी मैच खेले जिसमें उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। साल 2013 में राहुल ने हरियाणा रणजी मैच को कर्नाटक के खिलाफ खेला, जहां उनके प्रदर्शन को देख IPL में उनको मौका मिला। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो हवाएं खिलाफ थी, लेकिन चिराग खूब चला।